दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे दिव्य बंदर के दर्शन कराने जा रहे हैं जो कोई ऐसा वैसा वानर नहीं, स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद है और विशेष कृपा का पात्र भी है। इस वानर की सबसे खास बात यह है कि यह वानर सुबह हनुमान जी की पूजा करता है और रात के समय में हनुमान मंदिर की रखवाली भी करता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अजमेर के बजरंगगढ़ मंदिर के बारे में, जहां पुजारी नहीं बल्कि एक बंदर करता है हनुमान जी की पूजा। हनुमान भक्तों की आस्था के प्रतीक अजमेर के बजरंगगढ़ मंदिर में पिछले 7 साल से रामू नाम का एक बंदर प्रभु की भक्ति कर रहा है। रात में वह मंदिर की पहरेदारी भी करता है। उसमें कई ऐसी खास विशेषताएं हैं जो आम वानरों में देखने को नहीं मिलती। रामू मंदिर में ही रहता है, खाता पीता और सोता भी वहीं है। रामू अपने माथे पर एक सच्चे भक्त की तरह बालाजी का तिलक भी लगवाता है, अपने पैर धुलवाता है, साथ ही हनुमान भक्तों को आशीर्वाद भी देता है। रामू मंदिर में रखे घंटे झालर भी बजाता है, साथ ही बालाजी के दर पर आए भक्तजनों के साथ आरती और हनुमान चालीसा पाठ के दौरान मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज भी करवाता है। वहीं कई बार भजन या आरती पर नृत्य भी करता है। रामू बंदर बजरंगगढ़ मंदिर के चौकीदार ओंकार सिंह के बेहद करीब है। मनुष्य और जानवर के बीच का खूबसूरत रिश्ता इन दोनों के बीच देखने को मिलता है। ओंकार सिंह बताते हैं कि रामू 7 वर्ष पूर्व श्राद्ध के दौरान किसी मदारी से छूटकर यहाँ आया था। रामू जब आया तब बीमार था, लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, मगर ओंकार ने उसकी बहुत सेवा की। जैसे जैसे समय बीतता गया ओंकार और रामू का रिश्ता गहरा होता गया। ओंकार ने धीरे धीरे रामू को उछलना कूदना, रोटी खाना, पेड़ों पर चढ़ना, खुद पानी पीना इत्यादि कई चीजें सिखाई। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि रामू के कदम मंदिर के लिए शुभ है। वह साक्षात बालाजी के रूप में मंदिर की रक्षा करता है। जब से रामू आया तब से मंदिर से जुड़े कई लोगों को विभिन्न तरह के लाभ हुए। ओंकार ने बताया कि कुछ समय पूर्व मंदिर में आई एक महिला भक्त की सोने की बाली कहीं खो गई थी। उसको लेकर वह बेहद परेशान भी थी, लेकिन रामू ने बाली ढूंढकर ओंकार को दे दी। ओंकार ने रामू के बताए संकेतों के आधार पर बाली ढूंढकर उस महिला भक्त को सुरक्षित लौटा दी। जीवों पर आसपास के माहौल और मानवीय व्यवहार का असर पड़ता है। वे परस्पर व्यवहार के प्रति बहुत संवेदनशील और सतर्क रहते हैं। यदि मानवीय व्यवहार आक्रामक और मित्रता वाला होगा तो वह तत्काल वैसा ही प्रतिक्रिया करेंगे। बजरंगगढ़ में रहने वाले वानर पर भी आसपास के माहौल का असर साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों कभी आपको इस मंदिर में जाने का अवसर मिले तो इस अवसर को चूकेगा मत, इस मंदिर में जाइएगा और रामू से जरूर मिलिएगा।